जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। महामानव गौतम बुद्ध, विश्व रत्न, भारत रत्न, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत का संविधान, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और भारत के लोग ही भारत राष्ट्र हैं। किसी भी भारतीय के साथ असंवैधानिक व्यवहार करना या उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से वंचित करना राष्ट्रद्रोह है। भारत के लोगों के प्रतिनिधियों एवं संविधान तथा कानून के तहत नियुक्त सेवकों का एकमात्र कर्तव्य है कि भारत के संविधान एवं कानून को पूरी तरह से लागू करें। यदि कोई ऐसा करने में असमर्थ है तो वह राष्ट्रद्रोही है। उसे अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सभी भारतीय जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान के कीमत के साथ टैक्स भी देते हैं। इसके अलावा अन्य अनेकों तरह के टैक्स देते हैं। हर भारतीय टैक्स देता है, इसलिए सभी भारतीयों को कम से कम निम्न 7 संवैधानिक सेवाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। नहीं तो सरकारों को भारतीयों से टैक्स लेने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के मुद्दे या सरकारों द्वारा भारतीयों को दी जाने वाली 7 सेवाएं। 1, स्वास्थ्य, अनुच्छेद 47 तथा अन्य अनुच्छेद। 2, शिक्षा, अनुच्छेद 21 का, 45 का आदि। 3, रोजगार, अनुच्छेद 15-4, 16-4, 43 का, 81, 170, 243 घ, 243 ना, 330, 332, 335 आदि। 4, मूल संपत्ति, अनुच्छेद 300 का। 5, मूल सेवाएं, अनुच्छेद 41 आदि। 6, सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 15-4, 16-4, 43 का, 81, 170, 243 घ, 243 न, 330, 332, 335 आदि। 7, संसाधनों पर सामूहिक मालिकाना अधिकार, समाजवादी, अनुच्छेद 39 ख ग 43 क आदि। मुद्दा नंबर 1, सभी भारतीयों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मुद्दा नंबर 2, सभी बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मुद्दा नंबर 3, सभी भारतीयों को सम्मानजनक रोजगार एवं स्वयं रोजगार की व्यवस्था करवाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मुद्दा नंबर 4, सभी भारतीयों को आवास, रोजगार स्थल आदि आधारभूत संपत्ति का मालिकाना अधिकार दिलाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मुद्दा नंबर 5, सभी भारतीयों की पानी, बिजली, गैस, सड़क आदि आधारभूत जरूरतों को पूरा करना
भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मुद्दा नंबर 6, सभी भारतीयों को जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आरक्षण दिलाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मुद्दा नंबर 7, भारत के सभी संसाधनों पर सभी भारतीयों का सामूहिक मालिकाना अधिकार दिलाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। केंद्र एवं राज्य सरकारें आदि भारत का संविधान एवं कानून पूरी तरह से लागू करने के साथ साथ कम से कम सभी भारतीयों को उपरोक्त 7 सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल रहती है, तो सभी भारतीय मिलकर अपने अपने स्तर पर और क्षेत्र में संविधान अनुपालन समिति बनाकर तथा सभी संगठन लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन में शामिल होकर उपरोक्त सेवाओं को सभी भारतीयों तक पहुंचाएं। पूरी जानकारी dra.bcdks.com वेबसाइट से प्राप्त करें। ये बुद्ध की धरती युद्धन चाहे चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती युद्धन चाहे चाहे अमन परस्ती, बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध की धरती युद्धन चाहे। संविधान की प्रस्तावना, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महामानव गौतम बुद्ध, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।